और दोस्तों आज भी शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज। बहुत ही कमाल की खबर आई है, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आई है। पहले बात करते हैं इसरो की चंद्रयान 2 से। दोस्तों चांद का एक फोटो खींचा गया है जिसमें बड़ा सा गड्ढा दिख रहा है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है और ये जो फोटो खींचा गया है 100 किलोमीटर की दूरी से खींचा गया है चांद से दोस्तों। और ऐसा बताया जा रहा है ये 3D फोटो प्रिंटिंग है दोस्तों। वो दिन दूर नहीं कि हमारा विक्रम लैंडर हमें मिल जाए, तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है। आपको क्या लगता है, हमें विक्रम लैंडर मिलना चाहिए या नहीं? वैसे आप इंडियन है तो ज़रूर बोलेंगे मिलना चाहिए, कमेंट में बताइए कि आपको मिलना चाहिए या नहीं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक ने 540 करोड़ यूज़र का दोस्तों आईडी को बैंड कर दिया है, डिलीट कर दिया। इस तरह की कुछ आ रही है जो स्पैमिंग वगैरह करते थे, ऐसा भी बताया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं। क्या आपका आईडी हुआ है दोस्तों? अगर हुआ है तो ज़रूर बताइए, इस तरह का कुछ चल रहा है। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों गूगल मैप की। कल अपडेट आया दोस्तों जिसमें यह हुआ है कि लोकली लैंग्वेज को भी ये सपोर्ट करेगा गूगल मैप। मतलब आप उड़ीसा वगैरह जाएंगे या फिर कोलकाता वगैरह जाएंगे तो वहाँ का जो भाषा होगा उसके हिसाब से आपको नेविगेशन बताएगा, इधर जाछी उधर जाछी कोथाई जाछी ऐसा कुछ बताएगा दोस्तों। और ये जो ट्रांसलेट करेगा, ये गूगल का स्पीच ट्रांसलेट जो होता है दोस्तों उससे इनबिल्ट कर दिया गया है, तो वहीं से ट्रांसलेट करके आपको बताएगा कि कॉमन अच्छी ऐसा कुछ करेगा। तो बात कर रहे हैं गूगल की, तो गूगल अपना एक तरह का दोस्तों मदरबोर्ड बनाने वाला है, मिनी मदरबोर्ड। और ऐसा ही बताया जा रहा है ये बहुत ही छोटा होगा, ATM के साइज का होगा। टिंकर इसका नाम है दोस्तों, टिंकर और टिंकर R3399 इसका कोड है दोस्तों। 3.0 इसमें USB वगैरह सारा कुछ रहेगा, बहुत ही फास्ट रहेगा। अब ये किस तरह का होगा, जब ये आएगा किस मोबाइल में आएगा या कंप्यूटर में आएगा या कहाँ आएगा दोस्तों, जब भी आएगा इसकी सारी डिटेल हम आप तक पहुँचाएंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं व्हाट्सअप की। व्हाट्सअप में अब एक नया अपडेट आने वाला है जिसमें व्हाट्सअप का जो लोगो है उसके साथ फेसबुक का भी लोगो दिखेगा और इंटीग्रेट करेगा, तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है। क्या दोस्तों आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा गेम, ऑनलाइन गेम जो हम लोग खेलते हैं PC में, PlayStation में या फिर मोबाइल में, कौन सा है? वैसे तो आप लोग बोलेंगे Fortnite, PUBG इस तरह का है, तो दोस्तों वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आप लाइक किए हैं दोस्तों अभी तक, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह का टेक न्यूज़ हम आपको देते रहेंगे। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों उस गेम का, उसका नाम है रेड हैड 2। ये PC गेम है दोस्तों, और ऐसा बताया जा रहा है इसको खेलने के लिए दोस्तों Core i9 का सिस्टम चाहिए जिसमें 64GB रैम होना चाहिए। वाकई में आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहे दोस्तों, जो देखिए आप घोड़ा वगैरह का, बहुत ही रियल टाइम का गेम दिखता है दोस्तों, बहुत ही मतलब इसका जो ग्राफिक है एकदम रियल टाइम का है। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है, आपको क्या लगता है ये गेम आप खेलना चाहिए तो ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप नोकिया की। तो नोकिया अपना TV लॉन्च करने वाला है, 4K UHD TV इसका होगा दोस्तों, और ऐसा बताया जा रहा है ये एंड्रॉयड 9 पाई के साथ आएगा। अब ये किस तरह का होगा और कैसा होगा और इसकी प्राइस क्या होगी वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन देखने में काफ़ी कूल लगता है, बहुत ही ऑप्टिमाइज लग रहा है। आपको क्या लगता है, क्या नोकिया रेडमी और मोटरोला का जो TV आ रहा है उसको कम्पीट कर पाएगा? अगर कर पाएगा तो कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों कल मैंने बताया था कि मैकबुक प्रो लॉन्च होने वाला है इंडिया में, और ये लॉन्च हो चुका है। 16 इंच का डिस्प्ले है दोस्तों इसमें, ये पहला होगा। मैकबुक वैसे 13 इंच में आता है आपको पता ही है, लेकिन ये 16 इंच का है, और इसकी प्राइस जो है 1,99,900 रुपये है। ये 2 वेरियंट में आता है, एक i7 में आता है और एक i9 में आता है। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है, क्या आप लेंगे? मतलब 3-4 किडनी लगाना पड़ेगा आप, फिर जाके आप ले सकते हैं ये। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो बात करते हैं iPhone 12 की। तो iPhone 12 के बहुत सारे रेंडर्स आए, बहुत सारे लीक्स आए दोस्तों, डिज़ाइन वगैरह भी दिख रहा है। क्या इस तरह का डिज़ाइन होगा? मुझे तो नहीं लगता। वैसे भर भर के इसमें सेंसर भी दिखाया जा रहा है। अब ये फोटोशॉप है या क्या है दोस्तों? लेकिन इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि A13 बायोनिक चिप आने वाला है इसमें, मतलब 14 जो होगा वो नहीं आएगा, इसमें 13 ही आएगा। तो इस तरह की कुछ खबर आ रही है। क्वाड कैमरा पे आएगा, जब भी आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। दोस्तों कल मैंने बताया था मोटो रेजर लॉन्च होने वाला, और वो आज लॉन्च हो गया है। इसकी जो प्राइस है 1,07,400 रुपये है, इस तरह की कुछ आ रही है। बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की। इसमें 2 डिस्प्ले है, एक बड़ा डिस्प्ले है और एक फोल्ड होने के बाद डिस्प्ले दोस्तों आपको स्क्रीन में दिखता होगा। स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर है, 16 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 2510 mAh की बैटरी है दोस्तों। स्क्रीन रेजोल्यूशन कुछ अलग है, तो इस तरह की कुछ आ रही है। आपको क्या लगता है ये फ़ोन किस तरह का होगा दोस्तों? वैसे इसकी प्राइस और डिज़ाइन आप देख लीजिए कि इस तरह का लॉन्च है दोस्तों, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है, बहुत ही कूल लग रहा है इसका डिज़ाइन। USB टाइप सी के साथ आता है दोस्तों, अब इंडिया में जब आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं वीवो की। तो वीवो का S5 आज रात में लॉन्च होने वाला है चाइना में, उसका टेक न्यूज़ कल हम आपको ज़रूर देंगे।
देंगे और अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो हमको सुबह ही में देना पड़ेगा। तो चलिए इस तरह की कुछ खबर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं रियलमी की, तो रियलमी का 5S का दोस्तों कुछ स्पेसिफिकेशन और बाहर आया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसमें 5000 mAh की बैटरी होगी, 6.5 इंच का डिस्प्ले होगा दोस्तों, स्नैपड्रैगन 665 का AIE वाला चिप होने वाला है दोस्तों, 48 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर होने वाला है इसमें, और वहीं दोस्तों 13 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा होने वाला है। अब जब ये आएगा तो इसकी सारी डिटेल देंगे। वैसे देखने में काफ़ी कूल लगता है ये फ़ोन। बात करते हैं दोस्तों Realme XT की, तो इसे नया अपडेट मिला है दोस्तों, और इसके फ्रंट कैमरा में नाइट स्केप मोड का भी इसे ऑप्शन दे दिया गया है, मतलब फ़ोटो अब और भी ज़बरदस्त खींचा जाएगा इससे। वहीं दोस्तों बात करते हैं आप सैमसंग की, तो सैमसंग गैलेक्सी A51 के केस बाहर आ गई है, जो देखने में काफ़ी कूल लगता है, कचकड़ा टाइप का लगता है दोस्तों, अब देखिए ये क्या होगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 का, तो उसे एंड्रॉयड 10 का अपडेट मिला है UI 2.0 दोस्तों, बीटा में US में मिला है, अब इंडिया में नहीं मिला। जब इंडिया में मिलेगा तो हम आपको सारी डिटेल देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S11 की, तो इसमें दोस्तों इसकी कुछ पेटेंट बाहर आई है, ऐसा बताया जा रहा है। जो ये इसमें पंच होल जो दिख रहा है, इसमें डुअल कैमरा होगा या ट्रिपल होगा वो तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इसमें एक्सोनॉस 990 का प्रोसेसर होने वाला है जो 5nm पे बेस्ड होगा दोस्तों। बात करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू की, तो इसमें 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले होने वाला है, जो डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले बोला जा रहा है। 108 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 10+8 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा होने वाला है। 3730 mAh के बैटरी क्विक चार्ज से USB टाइप सी के साथ आएगा जब ये फ़ोन आएगा, तो इसकी सारी डिटेल देंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं रेडमी की, तो शाओमी का रेडमी नोट 8 दोस्तों पर्पल कलर में आ गया है, नेबुला पर्पल ऐसा बोला जा रहा है, ये अलग ही वेरियंट है। जब ये आ जाएगा इंडिया में तो हम आपको सारी डिटेल देंगे। वहीं दोस्तों बात करते हैं रेडमी K30 के, इसे सर्टिफिकेशन वेब सर्टिफिकेशन मिल चुका है दोस्तों, मतलब दिसंबर से पहले ये लॉन्च होने की उम्मीद है। अब इंडिया में होगा या चाइना में होगा, जहां भी होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बात करते हैं दोस्तों लिनोवो की, तो लिनोवो का ZUI 11.5 दोस्तों बीटा में ये अवेलेबल हो गया है, इसका अपडेट आ गया है। लिनोवो Z6 प्रो पे ये बेस्ड है दोस्तों, अगर आपके पास ये फ़ोन है तो जाके आप करिए, आपको बहुत सारी फीचर्स मिलेगी। चलिए दोस्तों बात करते हैं आप डील्स की, तो अमेज़न में दोस्तों एप्पल सेल चल रहा है, जी हाँ वो वाला नहीं, किलो वाला नहीं दोस्तों, आईफोन की बात कर रहा हूँ मैं, वो चल रहा है, 23,000 तक का डिस्काउंट मिल रहा है, इस तरह की कुछ खबर आ रही है। वहीं दोस्तों बात करते हैं ओप्पो रेनो 2Z वगैरह जितने भी फ़ोन है ओप्पो के, उसमें ही भारी डिस्काउंट मिल रहा है, और ऐसा बताया जा रहा है कि अपर रेंज का जो फ़ोन है दोस्तों, जिसका प्राइस ओप्पो रेनो 2 10X जूम वाला जो है दोस्तों 49,000 से मिलता था, लेकिन अभी 39,000 में मिल रहा है, 10,000 इसकी प्राइस घट गई है। मोबाइल बोनांजा सेल चल रहा है फ्लिपकार्ट में, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं, 14 से लेकर 18 नवंबर तक ये डील्स चलेगा, तो इसमें ज़बरदस्त आपको फ़ोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों ये टेक न्यूज़ यहीं ख़त्म करते हैं, उम्मीद है वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और आप नए मेहमान तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस तरह का खतरनाक और टेक वीडियो हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए।